तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल उन्नति जोक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज कौन सा मैच होने वाला है गाइस? 1 घंटे बाद मैच शुरू हो रहा है। आज दिल्ली से टीम बना के आप जो विनिंग अमाउंट जीत सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ये जो लाहौर का मैच होने वाला है कोटा से। लाहौर का जो है ये गद्दाफी स्टेडियम होगा जहाँ पे मैच होने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो मैं इसमें बता दूँ आपको गाइस कि इस पिच पे फर्स्ट टाइम बैटिंग जो करेगी टीम, जो पहली बैटिंग करेगी, पहली बैटिंग में इसमें बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन जो सेकंड बैटिंग करेगी वो बहुत अच्छे से बैटिंग कर पाती है इस पिच पे। आज तक तीन चार जितने मैच हुए हैं उन तीन चार मैचों में ऐसा ही हुआ है। 20 ओवर में अगर एक टीम ने 180 रन बनाए हैं तो दूसरी टीम ने, सामने वाली टीम ने 16 ओवर में ही वो टारगेट जो है चेज़ कर लिया है। बात करते हैं टीम की गाइस, चलिए टीम को स्टार्ट करते हैं। ये जो इसमें कैप्टन जो है आपका सरफराज अहमद है एक टीम के, और दूसरी साइड से जो है आपका क्रिस, ये जो दूसरी टीम है शेन वॉटसन जेसन रॉजर्स में है, ये भी एक बहुत अच्छी टीम मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें बताते हैं कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा कौन सा खिलाड़ी नहीं चलेगा आज की टीम में। प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आगे आने वाली सभी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस टीम बनाते हैं। यहाँ से मैं जो है ओपन करेंगे एक टीम से, मैं बैटिंग से शुरू करता हूँ गाइस। बैटिंग से इस तरफ से ओपन करेंगे क्रिस्टलिन और फ़खर जमन, लेकिन मैं क्रिस्टलिन फ़खर जमन दोनों को लूँगा। और यहाँ से वॉटसन को मैं ड्रॉप करूँगा, वॉटसन रॉय ओपनिंग करेंगे। वॉटसन को ड्रॉप करके यहाँ से सिर्फ जेसन रॉय कर लूँगा। यहाँ से बात करेंगे तो अहमद शहजाद ले सकते हैं आप, शहजाद लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। शहजाद को मैं फिर भी एक बार यहाँ पर रिस्क के तौर पर ले सकता हूँ, एक अटैकिंग बल्लेबाज हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर में गाइस मैं लूँगा मोहम्मद हफीज़ को। मोहम्मद हफीज़ एक ही मैच में चल पाए अभी तक, 98 रन बनाकर एक विकेट लिया था उस मैच में भी इन्होंने। यहाँ से वेन कटिंग को लूँगा और यहाँ से लूँगा डेविड विजय को मैं। ठीक है गाइस, चाहे तो मैं समित पटेल को या मोहम्मद नवाज़ को आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन डेविड विजय की तरफ मैं जाऊँगा। आप चाहते हैं तो यहाँ से एक खिलाड़ी को ड्रॉप करके यहाँ से आप जो है मोहम्मद नवाज़ को ले सकते हैं। अहमद शहजाद जो है, अहमद शहजाद का ऐसा है कुछ, अगर वो अहमद चल गए तो ठीक है, नहीं तो इसमें साफ सी बात है कि वो आपको नुकसान करा के ही जाएंगे। अब यहाँ से मैं इन दोनों को ले लेता हूँ खिलाड़ियों को, क्योंकि ऐसे अहमद एक खान दोनों ही चल सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है अहमद शहजाद नहीं चला तो मेरे लिए ये दोनों वर्क करेंगे। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से एक खान को ड्रॉप करके यहाँ से जो है मैं मोहम्मद दवाज को भी ले सकता हूँ। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, तो ये टीम मेरे लिए परफेक्ट रहेगी गाइज। अब बात करते हैं तीन बॉलर की। तीन बॉलर कौन से लेंगे? क्लियर सी बात है, शाहिन अफरीदी लूँगा मैं यहाँ से, मोहम्मद हसनैन को लूँगा और डी हुसैन को लूँगा। यही टीम, तीन खिलाड़ी मेरे रहेंगे और यही टीम के साथ आप खेलिएगा, 100% आप जीतेंगे गाइज। कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको बनाएंगे इसमें गाइज? कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता देता हूँ आपको किसको बनाना है और क्या टीम आपके रहने वाली है। देखिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आगे कि इस पिच पे जो है बॉलर्स को मदद भी है और बैट्समैन को मदद भी है, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है गाइज, अब कैप्टन को रखना है। अगर आपने एक ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो ग्रैंड लीग में आपके जो है सेफ टीम बनानी है थोड़ा सा, तो ग्रैंड लीग के हिसाब से अगर मैं बनाऊँ तो गाइज तो मैं ग्रैंड लीग के हिसाब से रखूँगा यहाँ से जेसन रॉय को कैप्टन रखूँगा, और यहाँ से वाइस कैप्टन मैं रखूँगा गाइज क्रिस लिन को। ठीक है गाइज, ये रखूँगा मैं टीम अगर मैं खेल रहा हूँ स्मॉल लीग खेल रहा हूँ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ये मैं अगर स्मॉल लीग खेल रहा हूँ तो मेरी टीम उसमें ये रहेगी, लेकिन अगर मैं खेलता हूँ ग्रैंड लीग तो ग्रैंड लीग में मेरी टीम जो है सेम ये रखूँगा मैं, और ग्रैंड लीग में जो है बस कैप्टन वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको रख सकते हैं, जमन को या फिर एस अहमद को, या फ़कर जमन को आप कैप्टन रखने के बाद जो है आप एस नवाज को या वेन कटिंग को वाइस कैप्टन रख सकते हैं। कोई कुछ लोग मोहम्मद हफीज़ को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे, वेन कटिंग को भी, इसको भी आप, ये टीम भी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ठीक है गाइज, तो इस टीम के साथ भी आप जा सकते हैं, और 100% जो है यही टीम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एज इट इज़ इतने ही खिलाड़ी चलने वाले हैं। और प्लीज़ जो ओपनिंग बल्लेबाज होंगे उनको भूल कर भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाएं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो, क्योंकि इस पिच पे शुरू में मदद नहीं मिलेगी बैट्समैन को जो फर्स्ट बैटिंग करेंगे। जो सेकंड बैटिंग करेंगे उनके कैप्टन को बना सकते हैं, उनके बैट्समैन को, उनके ओपनर्स को आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि एक दो विकेट ना गिरें शुरू में। तो ऑब्वियसली विकेट गिरेंगे तो आपको जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा जो आप कैप्टन बनाएंगे नंबर वन पर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई। ये टीम सेम बना के खेलिएगा, आप टीम 11 ज्वाइन कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।